नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। शिवसेना में पड़ी फूट का नतीजा उसे बड़ी हार से चुकाना पड़ा है। बीजेपी ने दो राज्यों के एमएलसी चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना को भारी मात दी। बीजेपी की बंपर जीत से विपक्ष में हड़कंप मच गया। कैसे विधानसभा चुनावों से पहले ही एमएलसी चुनावों में विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले ही मोदी लहर ने एक बार फिर से विपक्ष को चटनी चटा दी है और दो राज्यों के एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, जिससे विपक्ष में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार यानी तीन दलों की सरकार को अकेले पटखनी दे दी है और चार सीटों पर जोरों शोरों से कब्जा कर लिया है। अघाड़ी गैंग को सिर्फ दो ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नागपुर, जहां शिवसेना का ज्यादा बोलबाला रहता है, वहां भी बीजेपी ने अघाड़ी गैंग को झटका देते हुए नागपुर सीट पर खुद कब्जा कर लिया है। साथ ही बीजेपी ने शिवसेना से अकोला, बुलढाणा, वाशिम सीट भी छीन ली है। वहीं कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने एमएलसी के चुनाव में यानी विधानसभा परिषद के चुनाव में भारी जीत हासिल की है और 12 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। पूरा दमखम और षड्यंत्र रच रही कांग्रेस एक ही सीट पर सिमट कर रह गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनावों में बीजेपी को काफी फायदा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा परिषद में सामान्य बहुमत हासिल करने में सत्तारूढ़ बीजेपी महज एक सीट से चूक गई। पार्टी के कई प्रत्याशियों को भारी सफलता मिली है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की जीत पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि पार्टी ने एमवीए के इस मिथक को तोड़ दिया है कि तीनों दल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस राज्य में मिलकर सभी चुनाव जीत सकते हैं। इस बम्पर जीत के साथ ही 75 सदस्यीय उच्च सदन में बीजेपी की संख्या 32 से बढ़कर 37 हो गई है, जबकि कांग्रेस की संख्या 29 से घटकर 26 हो गई है और जद एस की संख्या 12 से घटकर 10 हो गई है। यानी कि बीजेपी को लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं। एमएलसी चुनाव के नतीजे और मोदी लहर का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, यानी कि विपक्ष की उम्मीद पर एक बार फिर से बीजेपी ने पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस और शिवसेना को बड़ा झटका दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 6 में से 4 सीटों पर कब्जा किया, जबकि कर्नाटक की 12 सीटों पर कमल खिल गया। बीजेपी की इस बड़ी जीत से विपक्ष में हड़कंप मच गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में तीन दल मिलकर भी बीजेपी को मात नहीं दे पाए, बल्कि बीजेपी ने ही शिवसेना की सीटों को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे एक बात तो साफ है कि एमएलसी चुनाव की जीत ने बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में जीत का रास्ता आसान कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।